तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, इस साल की मोस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट मच अवेटेड एक्शन पैक्ड मूवी भाई लाइन पर लग चुकी है, क्योंकि इसके टीजर को सर्टिफिकेशन मिल चुका है। वो आगे बताऊंगा कौन से सर्टिफिकेट से इसे नवाजा गया है और मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। भाई साहब, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जहाँ पर हमें दो एक्शन किंग, बॉलीवुड के बिगेस्ट एक्शन किंग एक साथ देखने को मिलेंगे, जो एक तजुर्बे से भरपूर हैं और जो दूसरे अभी नए ताजे उभर के आए हैं, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी। भाई साहब, ये जोड़ी बहुत नाम कमाते नजर आ रही है और बहुत ट्रेंड पे चल रही है। लोग फुल उत्सुक हैं इस मूवी को देखने के लिए कि यार ये मूवी कब आए, यानी आज से 3 महीने बाद ये मूवी आ जाएगी थिएटर हाउस में। लेकिन इसके टीजर के लिए, ट्रेलर के लिए, इससे जुड़ी कोई भी छोटी से छोटी अपडेट के लिए लोग जनता उत्सुक है कि भाई टीजर हमें देखने को मिले। तो टीजर के बारे में आज बात करेंगे, कब ये टीजर हमें देखने को मिल जाएगा, क्या इसकी सर्टिफिकेशन दी है सेंसर बोर्ड ने, कितनी इसकी लेंथ है, सारी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। और ये कितनी बिगेस्ट एक्शन पैक्ड मूवी होने वाली है, क्योंकि भाई साहब 2023 में एक्शन से पूरा साल भरा रहा है। खूनम खान लाल ब्रूटल, पूरा लालम लाल रहा है 2023 एक्शन मूवीज के बारे में अगर बात करें तो। 2023 में ये, मतलब 2024 में इस साल क्या आप फाड़ सकते हैं, सारी चीजों पर एक करके बात करेंगे। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, इस साल की मोस्ट मच अवेटेड मूवी, बड़े मियां छोटे मियां के टीजर को सर्टिफिकेशन मिल चुका है, सेंसर बोर्ड ने क्लीन चिट दे दी है, UA सर्टिफिकेशन से इसे नवाजा गया है। भाई साहब, टीजर की लेंथ है 1 मिनट 41 सेकंड और आज या कल में ही अनाउंस हो जाएगा, डेट अनाउंस हो जाएगी कि ये टीजर हमें कब देखने को मिल जाएगा, यानी विद इन अ वीक हमें ये टीजर मिल जाएगा, 8 से 10 दिन के अंदर ही हमें ये टीजर देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए जनता काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रही है भाई साहब। क्योंकि इसके पीछे बहुत सी रूमर्स भी चल रहे हैं कि मूवी को जो टीजर है उसे ए सर्टिफिकेट दिया गया है, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सी ऐसी बातें चलती रहती हैं भाई साहब। लेकिन ये जोड़ी, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी देखने के लिए जनता वाकई में उत्सुक है, खासकर मैं, क्योंकि भाई दोनों एक्शन के किंग हैं। एक जो 90s से हमें एक्शन पे एक्शन मूवी दे के आ चुके हैं खिलाड़ी कुमार, उनका कमबैक मैं कहूँगा पिछले 1-8 साल से नहीं हुआ है, सॉलिड कमबैक नहीं हुआ है। टाइगर श्रॉफ भी वही चीज़ पे सर्वाइव कर रहे हैं, उन्हें भी मूवीज मिली हैं, लेकिन भाई वो कमबैक नहीं हुआ है। जिस कमबैक की बात हम करें प्रभास की या फिर शाहरुख खान की, जो पिछले साल हमें देखने को मिला, वैसे बोल वाला कमबैक हमें देखने को नहीं मिला। तो भाई इस मूवी से भाई बहुत उम्मीद है कि यस, यहाँ से ये मूवी पहले तो ये फाड़ के जाएगी, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर भाई साहब, इनका कल बर्थडे भी था और फुल जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट भी किया गया है। दैट्स वाई कि इस मूवी से ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है कि भाई एक्शन पैक्ड मूवी है, जिसमें दो बेहतरीन एक्शन के मजे हुए खिलाड़ी अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ हैं, साथ में जो इनका चाबुक मास्टर है डायरेक्टर भाई अली अब्बास जफर, जिसके प्रीवियस कॉन्टेंट से ही अगर हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है कि ये मूवी कैसी होने वाली है, तो भाई आप सुल्तान उठा के देख लो, क्या धमाकेदार मूवी थी। देन ब्लडी डैडी शाहिद कपूर की, भाई अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है ना, रॉ ब्रूटल फुल वॉयलेंस, मतलब पूरा खतरनाक वाला एक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो फाड़ के गया है। देन उसके बाद गुंडे मूवी हमने देखी रखी है, वो एक्शन से भरपूर मूवी। देन टाइगर जिंदा है हमने तो देखी रखी है। तो भाई अली अब्बास जफर का ये वाला क्रिएशन ये फुल प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मूवी आएगी, फाड़ के जाएगी और टीजर से पूरा पता लग जाएगा, क्योंकि टीजर भाई आजकल में ही, पहले तो डेट अनाउंस होगी और हमें कुछ ही दिनों में या 5-6 दिन के अंदर ही देखने को मिल जाएगा टीजर। तो भाई वेट है, बहुत ज़्यादा वेट है। आप लोगों को कितना वेट है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। देन उसके बाद 3 महीने बाद यानी ईद पर इस बार हमें अक्षय कुमार और ये जोड़ी देखने को मिलने वाली है। 7, 8 या फिर 9 अप्रैल के आसपास मूवी थिएटर हाउस में फट जाएगी। कौन लोग कितना इंतजार कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये मूवी भी 1000 करोड़ टच कर जाएगी, क्योंकि अभी सिर्फ हमने खान्स का बोलबाला देखा है, पैन इंडिया का बोलबाला देखा है, भाई अक्षय कुमार का बोलबाला कितना चलता है, क्या 1000 करोड़ टच कर जाएगा? क्योंकि रणबीर कपूर ने भाई साहब ऑलमोस्ट 1000 करोड़ अपनी मूवी से एनिमल से टच कर ही दिया है, लगभग 900 से 950 आसपास लगभग वर्ल्ड वाइड कलेक्शन उस मूवी ने कर लिया है। तो भाई अब अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बारी है, क्या ये लोग टच कर जाएंगे और इसके टीजर के लिए कितना इंतजार है। और आप लोगों को अगर इससे भी जुड़ी अपडेट मालूम है कि टीजर कब आ जाएगा एग्जैक्टली, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।